बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। कोतवाली के मेन गेट पर ही किसानों ने लगाए ट्रैक्टर। बुलंदशहर किसानों ने खुर्जा कोतवाली का घेराव कर जड़ा ताला। कोतवाली के मेन गेट पर भी किसानों ने लगाए ट्रैक्टर। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया घेराव। पुलिस पर आपराधिक मामलों को वकआउट न कर पाने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा किसानों ने किया घेराव। किसानों ने कोतवाली के पुलिस ऑफिस और प्रवेश के दूसरे दरवाजे में जड़ा अपना ताला। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े हैं किसान। कोतवाली में तालाबंदी कर वहीं धरने पर बैठ गए किसान। हंगामा जारी। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली का मामला। सभी आज जो आप खुर्जा कोतवाली कार्यकर्ता और सभी युवा साथियों को मेरा प्रणाम। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे थाने कोतवाली खुर्जा नगर और चौकी खुर्जा जंक्शन भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। अभी कोतवाली नहीं रही है, ये भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। अवगत हो गया होगा, अभी आपने देखा होगा कि इमरजेंसी 4-5 दिन पहले एक अरनिया गांव में रेप हुआ है। इसके उसमें ना तो उसके परिवार में कोई पढ़ा लिखा है, लड़की मंद बुद्ध है, यही बैठी हुई है। तहसील का काम और तीन लड़कों ने रेप किया है उसमें। एक लड़के को तो 376 में और दो लड़कों को 120 में पुलिस ने भेजा है, उनमें आ रही जबकि तीनों पे 376 बनती है। लेकिन पुलिस की ये 60-गांठ है। अनपढ़ सबसे पहले परिवार का अनपढ़ होना इनके लिए फायदे का सौदा हो गया, क्योंकि इनके बहन बेटी तो है नहीं। 201 मानदेन है, किसी की बहन बेटी कुछ भी हो जाए लेकिन इनके पैसे से काम है। दूसरा मामला है कलंदरगढ़ी में एक मेंढ कटी की शिकायत पर। पहले तो उनके लिए कोटी-कोटी सरदान, दोनों पक्षों दूसरे पक्ष ने शिकायत की और मेंढ काट दी गई है मेरी चौकी माँ। पहले वक्ता कह रहे थे जबकि जिसने मेंढ काटी थी उसने घास सुखाने के लिए मेंढ काटी थी, उसमें चैटिया सोरिया निकल रही, पानी निकल रहा था और उसने मेंढ वहीं बांध दी थी। घोषित किया गया है। मैंने फोन किया चौकी में, इन दोनों का आप समझौता करा दो और मेंढ जैसी थी वैसी की वैसी बांध दी गई है। उनको गलतफहमी हो गई है जो स्वामीनाथन, ठीक है जी फैसला करा देंगे। लेकिन जब वहाँ किसान पहुंचे तो उनको धमकाया गया तरीके से, तुम्हें 5,000 रुपए दे दो वरना एक तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। एक मामला चौकी का, यानी कि आंशिक लागत पर। दूसरा मामला, तीसरा मामला है मदनपुर में झगड़ा हुआ था। झगड़े में एक तरफा कार्रवाई की है, जब झगड़े में तो केंद्र सरकार एक तरफा कार्रवाई, दूसरी पार्टी के पैसे लेकर के उन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है। वो रोजाना इनके पास आते हैं, कभी चौकी में कभी थाने में, लेकिन उनके किसान को गुमराह करके। चौथा मामला है शोएब अहमद है, लगभग एक महीने पहले इनका 23,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था इनके साथ में और इन्होंने तहरीर दी थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। और वो इस क्षेत्र में फ्रॉड के विद्वानों की रिपोर्ट, कुछ टीम है पूरी, पूरा गैंग है, बहुत बड़े रूप से सक्रिय है और पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे आज भी देश में मात्र दाऊ है, बच्चू दाऊ खरीद हो रही है, जो जिला सलाहकार तो है भारतीय किसान में, उनके भतीजे अभी से 46,000 रुपए के अभी फ्रॉड हुआ है 3 दिन पहले, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। जबकि उनको सारी जानकारी है, बता रहा हूँ की उनको सारी जानकारी है, आयोग की रिपोर्ट ही झूठी है। एक मंडी में आज से 8 महीने पहले 9 दुकानों को भारतीय किसान यूनियन ने रेट डाल करके आपका धान की चोरी कर रहे थे किसानों की, पकड़ा था उन दुकानों को, इन्होंने सस्पेंड किया और बाद में 8,000 रुपए जुर्माने से बहाल कर दिया। जब चोर को जुर्माने से क्या छोड़ा जाता है क्या? चोर के लिए तो दंडात्मक कार्रवाई है। इन्होंने 60-गांठ करके पैसे खा करके 8,000 रुपए का जुर्माना दिखाया और उनको बहाल कर दिया। क्रिया केंद्रों पर वारदाना नहीं है 15 दिन से, ये भी हमारा एक मुद्दा है। विद्युत विभाग में बहुत बड़ी लापरवाही चल रही है, विद्युत विभाग किसानों की सुन नहीं रहा है, ना एसडीओ साहब, ना एक्सएन साहब, ना जेई साहब, कोई भी किसानों की सुनता नहीं है। इसलिए हमने एसी महोदय को आज यहाँ आमंत्रित किया है और जब आंदोलन समाप्त होगा ट्यूबवेलों पे एक मीटर का जो कार्यक्रम है इनका, जो मीटर लगाए जा रहे हैं ट्यूबवेलों पे, वो उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हुए, उसके विषय में वार्ता होगी। ऐसे ही कई बिंदुओं को लेकर के हमारी आज वार्ता होनी है। अगर हमारा समाधान नहीं होता है तो हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने में, इस धरने को अनिश्चितकालीन धरने में तब्दील करेंगे। सबसे बड़ी समस्या है।